इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने विंडो 10 के अंदर टर्न ऑफ या ऑन करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर अलार्म रिमाइंडर्स और इनकमिंग वीआईओपी के जो सेटिंग्स रहती है, नोटिफिकेशंस रहती है उनको, तो आप कैसे बंद कर सकते हैं उस नोटिफिकेशंस को जिससे कि आपके सारी सब चीज़ें ना दिखाई दें। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू बार पर जाना होगा, सबसे कोने पर विंडो 10 के अंदर, तो इसको खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देती है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर भी आपको यहाँ पर चले जाना है, तो मैं चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैनेजर खुल जाता है सेटिंग्स का, तो आपको यहाँ पर सिस्टम पर जाना होगा, यहाँ पर इसको खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है नोटिफिकेशन एंड एक्शन, तो इस पर आपको चले जाना है। तो जैसे ही आप जाएंगे, थोड़ी सी नीचे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये वाली जो नोटिफिकेशंस की है, सो अलार्म्स रिमाइंडर एंड इनकमिंग कॉल्स वगैरह जो वीओआईपी होती है लोक स्क्रीन पर शो करती है, तो वो अगर आप बंद करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके बंद कर सकते हैं। अगर बंद हो गई है तो इसको स्टार्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इसको बंद या फिर चालू करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।